ये लड़का पागल है, ना तो ये तलाक देगा ना मेंटेनेंस देगा, और ये उस लड़की की जान किसी तरह से नहीं छोड़ेगा। जब ये बात आपकी पत्नी तक पहुंच गई कि आप ना तो तलाक देने के लिए तैयार हो रहे हैं, ना आप मेंटेनेंस देने के लिए तैयार हो रहे हैं, बल्कि उसकी जान खा रहे हैं बुरी तरह से, अब ले लो तुम झूठे केस डाल करके मेंटेनेंस। सच्चाई ये है कि अगर आपकी पत्नी ने झूठी शिकायत करके, झूठा केस दर्ज करके आपको परेशान करने की नियत से केस कोर्ट में फाइल भी कर दिया है, तो भी इस झूठे केस से पति को ही फायदा मिलने वाला है। कैसे? आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इन्हीं सब छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातों पर चर्चा करने वाली हूं कि कैसे आप अपनी झूठी पत्नी के झूठे तथ्यों पर फाइल किए गए केस से फायदा ले पाएंगे। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं, और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं, तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, अगर आपकी पत्नी ने झूठा केस किया है, ध्यान रहे यहां शुरुआत में ही मैंने आपको बताया है कि अगर आपकी पत्नी ने झूठा केस किया है, अगर पत्नी ने सच्चा केस किया है तो उसका फायदा नहीं मिलेगा आप पतियों का। लेकिन अगर आपकी पत्नी ने झूठा केस किया है, तो स्टार्टिंग में आपके ऊपर जब ये केस पहुंचता है, नोटिस के द्वारा, समन्स के द्वारा, या किसी भी तरह से कोर्ट से आपको इत्तला दी जाती है कि आपकी पत्नी ने आप पर केस फाइल कर दिया है, तो जैसे ही आप उस केस की कॉपी को देखते हैं, तो आप स्टार्टिंग में ये सोचते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, आपने बहुत सारे लोगों से बातचीत की है, आप अपने आस पड़ोस में भी बातचीत करते हैं, रिश्तेदारों दोस्तों से भी बातचीत करते हैं, और ये सुनने में आता है आपको कि ये केस ज्यादा दिन नहीं चलेगा, धीरे धीरे म्यूचुअली खत्म हो जाएगा, म्यूचुअल कंसेंट के तलाक के द्वारा आपका केस खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी इस बात को सोचा है कि ये अगर म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स के द्वारा ये केस खत्म किया जा रहे हैं, तो कैसे और किन शर्तों पर? असल में आपको एक मोटी धनराशि अपनी पत्नी को देनी पड़ती है, तब जाकर के आपकी पत्नी म्यूचुअल कंसेंट के डिवोर्स के लिए हामी भरने वाली है। अब यहां पर जो सबसे बड़ा डर है पतियों का, वो ये है कि म्यूचुअल कंसेंट करने के बाद भी बहुत सारी पत्नियां मुकदमे वापस नहीं लिया करती, या कुछ पत्नियां जो अपने मुकदमे वापस तो ले जाती हैं, लेकिन वो कुछ धनराशि लेने के बाद वो सेकंड मोशन तक नहीं पहुंचती, फर्स्ट मोशन में ही गड़बड़ हो जाती है। इसी बात के लिए मैंने आप सभी के लिए एक वीडियो पहले भी बनाया है, उसका लिंक आप ऊपर देख पा रहे होंगे, इस वीडियो को भी अच्छी तरह से देखिएगा। खैर, आप अब जल्दबाजी में क्या किया करते हैं, जैसे ही आपके पास केस आया, केस आते ही आपने ये सोच लिया कि अब आपको फटाफट 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 ठीक करना है, कोर्टों में धक्के नहीं खाने हैं, अपनी एड़ियां नहीं रगड़नी है, और जल्दबाजी में आप ये सोचते हैं कि एक समझौता कर लिया जाए। यहीं पर आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। आपको थोड़ा सा संयम बरतना होगा। आपकी पत्नी ने अगर गलत केस किए भी हैं आपके ऊपर, तो कोई बात नहीं, उनको बढ़ने दो। आपकी पत्नी जो उल्टा पुल्टा डिमांड करती है शुरुआत में, उनको कम से कम धरातल पर तो आने दो। आप क्या करते हैं शुरुआत से ही, आपने अक्सर ये बात देखी होगी कि आपकी पत्नियां कोर्ट में जब केस फाइल करते हैं, तो वो अपनी कैपेसिटी से कहीं ज्यादा बातें बढ़ा करके लिखते हैं। होता ये है कि पत्नी ने सिर्फ शादी में 2 लाख रुपए खर्च किए थे, लेकिन जिस समय पर वो केस किया करती है, तो उस समय 20 लाख 50 लाख तक लिख दिया करती हैं। यहां पर आपका एटीट्यूड सबसे बड़ा मायने रखता है। आप पतियों का एटीट्यूड अपनी पत्नी की तरफ इस तरह का होना चाहिए कि ना तो आप तलाक देंगे और ना आप मेंटेनेंस देंगे, बल्कि आपके
व्यवहार से, आपकी बातचीत से ये बात निकल करके जानी चाहिए कि अब उल्टा आप पति उनके ऊपर केस करेंगे क्योंकि उन्होंने झूठे केसेस किए हैं। अगर ये जो आप अपना एटीट्यूड बना करके रखते हैं और आप उनकी झूठी सच्ची बातों में आकर के डरते नहीं हैं, घुटने नहीं टेकते हैं, तो आप विश्वास कीजिएगा कि जो उनकी डिमांड शुरुआत में हुआ करती है वो डिमांड धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। अगर शुरुआत में आपकी पत्नी की तरफ से म्यूचुअल कंसेंट के डिवोर्स के लिए जो सेटलमेंट की बात चल रही है वहां पर डिमांड बहुत ज्यादा है, तो आप उसकी बातों में ना आए, आप केस को प्रोसीड होने दें, आप अपनी पत्नी को ग्राउंड रियलिटी तक आने दें, उसको घिसने दें, उसको बहुत सारे केसेस में चक्कर लगाने दें। अक्सर पत्नियां ये बात सोचा करती हैं कि कानून उनके फेवर में है, कोर्ट कचहरी पुलिस थाना हर जगह पर उनकी सुनवाई होगी, उनको ही सुना जाएगा और आप पतियों को नहीं सुना जाएगा। लेकिन जब वो कोर्ट में आती हैं और जब उनको ये बात पता चलता है कि यूं कोर्ट में झूठे सच्चे केस डालने से कुछ भी नहीं होगा, तो वो धीरे धीरे ग्राउंड रियलिटी की तरफ आने लगती है और उनकी डिमांड धीरे धीरे कम होने लगती है। अब मान लेते हैं कि आपकी पत्नी ने जो मेंटेनेंस का केस आप पर किया था वो धीरे धीरे आगे बढ़ गया और अगर आप मेंटेनेंस नहीं दे पाते हैं तो क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा। अगर आप मेंटेनेंस एक महीना दो महीने आपने दिया और उसके बाद आप उसको नहीं दे पा रहे हैं, तो आखिरकार ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि आपकी पत्नी रिकवरी के लिए एग्जीक्यूशन फाइल करेगी, उसको परेशानी हो सकती है, कोर्ट में एडवोकेट फीस देनी पड़ सकती है। लेकिन उस केस के आने के बाद मान लेते हैं आपने एक महीना दो महीना तीन महीना ठीक से उसको मेंटेनेंस दिया, लेकिन उसके बाद फिर आपकी परिस्थितियां घर की खराब हो सकती हैं, कोई घर में कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ सकती है या कुछ इस तरह की ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जो टाली ना जा सके, तो हो सकता है कि आप एक या दो महीने तीन महीने के बाद फिर से पैसे देने में अपने आप को असमर्थ महसूस होए। और फिर से क्या होगा अगर आपने फिर दोबारा से अगर अपनी पत्नी को मेंटेनेंस का पैसा कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से नहीं दिया, तो आपकी पत्नी को परेशान होकर के फिर से रिकवरी केस फाइल करना होगा, अपने एडवोकेट को एंगेज करना होगा, एडवोकेट फीस नहीं देनी होगी और थोड़ी सी परेशानी उसकी ज्यादा बढ़ सकती है। और जब उसकी बार बार इस तरह की परेशानी बढ़ेगी तब ही तो वो समझेगी कि आखिरकार परेशानी होती क्या है। तो आप पतियों को प्रैक्टिकली मैं ये बात बताना चाहती हूं कि अगर आपकी पत्नी ने झूठा केस किया है और उनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ यही नजर आ रही है कि वो आपको परेशान करना चाहती है, तो आप यहां पर घुटने ना टेकें, बल्कि जो वो गलत कर रही हैं या जो उन्होंने गलत कॉन्ट्राडिक्टरी अलग अलग केसेस में चीजें लिखी हैं उनकी गलतियों को आप उजागर करें, कोर्ट के सामने लेकर के आए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मंथली मेंटेनेंस ही तो बनेगी, कोई बात नहीं। केस को किस तरह से डील करना है आपका विचार सबसे ज्यादा इस बात पर होना चाहिए और लड़की तक ये बात पहुंचनी चाहिए ये लड़का पागल है, ना तो ये तलाक देगा ना मेंटेनेंस देगा और ये उस लड़की की जान किसी तरह से नहीं छोड़ेगा। जब ये बात आपकी पत्नी तक पहुंच गई कि आप ना तो तलाक देने के लिए तैयार हो रहे हैं, ना आप मेंटेनेंस देने के लिए तैयार हो रहे हैं, बल्कि उसकी जान खा रहे हैं बुरी तरह से, तो आपकी पत्नी बिना पैसे के सेटलमेंट करने पर आ जाएगी और उस पत्नी को ये बात आपके व्यवहार से पहुंचनी चाहिए कि आप पति उसके झूठे केसों से नहीं फंसे हैं बल्कि असल में फंसी तो वो खुद है। तो आप सभी ने देखा आपका व्यवहार आपका एटीट्यूड ही निर्भर करता है आपकी पत्नी को सेटलमेंट पर मजबूर करने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भलीभांति पता चल गई होगी कि अगर आप पति घुटने ना टेके, समय समय पर आप अपने व्यवहार के द्वारा, आप अपने स्टेप्स के द्वारा, आप अपने इनिशिएटिव्स के द्वारा अपनी पत्नी तक ये बात पहुंचाते रहे कि आप उसकी बातों में नहीं आने वाले, आप उनकी बातों में नहीं फंसने वाले, आप घुटने नहीं टेकने वाले,
आप नहीं फंसे हैं बल्कि वो पत्नी ही फंसी है आपके ऊपर झूठे केस फाइल करके, तो यकीन मानिएगा आपकी पत्नी बहुत जल्द बिना पैसे के सेटलमेंट टेबल पर आ जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।